अमूमन हम हर रोज किसी न किसी वाहन की सवारी करते हैं, चाहे मोटर बाइक हो या फिर कार या बस। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि सभी वाहनों के टायर काले ही क्यों होते हैं? आखिर क्यों टायर रंग बिरंगे क्यों नहीं होते? क्या शुरू से ही टायर काले रंग के बनाए जाते थे? काले रंग के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण है? आइए जानते हैं विज्ञान हमारे आसपास में। टायर का इतिहास काफी पुराना है। पहले रबर के टायर का आविष्कार 1895 में हुआ था। तब वो सफेद रंग का होता था। वास्तव में रबर का प्राकृतिक रंग दूधिया सफेद होता है, लेकिन रबर से बना सफेद टायर जल्दी घिस जाया करता था, इसीलिए उसमें कालिख या काला कार्बन मिलाया जाने लगा। काला कार्बन जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और अन्य ईंधनों को अधूरा जलाने से बनता है। आज जो टायर हम वाहनों में देखते हैं, उसके पीछे का कारण काला कार्बन है। काले कार्बन का उपयोग टायर बनाने में स्टेबलाइजिंग केमिकल के रूप में होता है। काले कार्बन को अन्य पॉलीमर्स के साथ मिलाकर टायर के ट्रेड यानी सतह से संपर्क वाले हिस्से का कंपाउंड बनाते हैं। रबर के साथ कार्बन मिलाना टायर को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। काले कार्बन की भी कई श्रेणियां होती हैं, जैसे मुलायम या फिर सख्त। रबर मुलायम होगी या सख्त, ये इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी श्रेणी का कार्बन उसमें मिलाया गया है। काले कार्बन ने आज के टायर को काफी मजबूत बनाया है, और यही कारण है कि हर टायर काले रंग में ही आता है। जब भी हम किसी कार को लंबे समय तक ड्राइव करते हैं, तो ट्रेड एरिया और बेल्ट गर्म हो जाते हैं। ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि गर्म होने से टायर फट सकता है। यहाँ काले कार्बन की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ये टायर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही काला कार्बन टायर को यूवी किरणों और ओजोन से होने वाली क्षति से भी बचाता है। यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें रबर के मटेरियल को कड़ा करती हैं, जिससे टायर की गुणवत्ता घटती है। वैसे तो काला टायर काफी उबाऊ है, लेकिन आपकी सुरक्षा और जेब दोनों के लिए ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सादे रबर टायर की तुलना में कार्बन युक्त टायर कई गुना ज्यादा चलता है।